नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग में हम चूरू जिला पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने चूरू जिले का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज की वीडियो में चूरू जिले की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय ना गंवाएं और दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान का बीकानेर संभाग और बीकानेर संभाग का जिला चूरू। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीकानेर संभाग और बीकानेर संभाग में जिला चूरू। एकदम क्लियर दोस्तों? अब अगर हम दोस्तों चूरू की बात करते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चूरू जिले के जो प्रमुख मंदिर हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे चूरू जिले में जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों की बात करते हैं, ठीक। और दोस्तों चूरू जिले के जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिर में दोस्तों आपके जो पहला मंदिर है उस मंदिर का नाम है सालासर बालाजी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ जो पहला प्रसिद्ध मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है सालासर बालाजी का मंदिर। दोस्तों फिर बात आती है कि जो सालासर बालाजी का मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो सालासर बालाजी का मंदिर है इस मंदिर का दोस्तों निर्माण कराया गया था मोहनदास के द्वारा। जो सालासर बालाजी का मंदिर है इस मंदिर का साहब आपके निर्माण किसने कराया था, मोहनदास किसान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था पहली बार। दोस्तों दूसरी बात आती है कि साहब आपके जो सालासर बालाजी हैं यहाँ साहब आपकी किसकी पूजा होती है। दोस्तों पूछा जाएगा यहाँ किसकी पूजा होती है, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर में बालाजी के शीश की पूजा होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इस मंदिर में बालाजी के शीश की पूजा की जाती है। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, इस मंदिर में बालाजी के शीश की पूजा की जाती है। और दोस्तों इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यहाँ जो बालाजी हैं इन बालाजी के साथ आपके दाढ़ी और मूंछ को दर्शाया गया है। दोस्तों इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर में बालाजी के दाढ़ी और मूंछ को दर्शाया गया है, और इस कारण इसे दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या? चूरू जिले का प्रमुख मंदिर कौन सा है? सालासर बालाजी का मंदिर। बालाजी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोहनदास ने। और यहाँ किसकी पूजा होती है? बालाजी के शीश की पूजा होती है। और बालाजी के शीश की पूजा के अंतर्गत इनके दाढ़ी और मूंछ को दर्शाया गया, इसलिए सालासर बालाजी को दाढ़ी और मूंछ का बालाजी भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि इस मंदिर के कारीगर कौन थे। दोस्तों पूछा जाएगा कि इस मंदिर के कारीगर कौन थे, तो दोस्तों माना जाता है कि जब ये मंदिर निर्माण हुआ है, दोस्तों जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इस मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा किया गया था। और दोस्तों एक मुस्लिम कारीगर का नाम था नूरा और एक मुस्लिम कारीगर का नाम था दाऊद। एकदम क्लियर दोस्तों? माना जाता है कि जब यह मंदिर निर्माण अवस्था में था तो इस मंदिर का निर्माण कार्य दो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा किया गया था, एक का नाम था नूरा और एक का नाम था दाऊद। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? ठीक, एक बार फिर समझना, चूरू जिले का प्रमुख मंदिर कौन सा है? सालासर बालाजी का मंदिर। निर्माण किसने कराया था? मोहनदास ने। पूजा किसकी होती है? बालाजी के शीश की पूजा होती है। और इस मंदिर में दाढ़ी मूंछ युक्त बालाजी की पूजा की जाती है। और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा किया गया था, एक का नाम था नूरा और एक का नाम था दाऊद। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब आपके चूरू जिले में और दूसरा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों देखना चूरू जिले में साहब आपके जो दूसरा मंदिर है वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों? ध्यान रखना, जो चूरू जिले में दूसरा मंदिर है वो सब आपके कौन सा मंदिर है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। समझ जाओगे क्या? तो दोस्तों यहाँ जो दूसरा मंदिर है वो कौन सा है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। और दोस्तों ध्यान रखना, इस तिरुपति बालाजी में दोस्तों इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ये तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में है और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की अनुमति से यहाँ सब आपके इस मंदिर का निर्माण करा किया गया है और यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। समझ जाओगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, पूछ लिया जाए कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार है मत्स्य अवतार। एकदम क्लियर दोस्तों। एक है कूर्म अवतार, ठीक। एक है वराह अवतार, ठीक। एक है नरसिंह अवतार, ठीक दोस्तों। एक है साहब आपके वामन अवतार, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक है परशु अवतार, परशुराम अवतार, ठीक दोस्तों। एक है राम अवतार, एक है कृष्ण अवतार, ठीक दोस्तों। एक है आपके बुद्ध अवतार, ठीक। और दोस्तों एक होने वाला जो अवतार होगा वो होगा कल्कि का अवतार। एकदम क्लियर दोस्तों। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध तथा कल्कि। इन्हें कहते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार। और इन 10 अवतारों की पूजा होती है तिरुपति बालाजी मंदिर दोस्तों चूरू में, ठीक। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं ना दोस्तों, इसे कहा जाता है दशा अवतार। क्या कहा जाता है? दशा अवतार। और पूछा जाए कि भारत में पहली बार दशावतार मंदिर, भारत में पहली बार दशावतार मंदिर कब बनाया गया? तो दोस्तों ना, भारत में पहली बार जो दशावतार मंदिर बनाया गया वो बनाया गया था गुप्त काल में। भारत में पहली बार जो दशावतार मंदिर बनाया गया वो कब बनाया गया था दोस्तों? गुप्त काल में बनाया गया था। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो दशावतार मंदिर बनाया गया वो कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? देवगढ़ में। कहाँ है? देवगढ़ में। और पूछा जाए देवगढ़ कहाँ है? झांसी में। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार जो दशावतार मंदिर बना वो बना गुप्त काल में। और दोस्तों गुप्त काल में देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर बनाया गया था। और गुप्त काल की मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है दशावतार मंदिर। समझ जाओगे क्या दोस्तों? दो मंदिर। अच्छा दोस्तों साहब, यहाँ जो तीसरा मंदिर है ना वो है गोगा जी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ जो तीसरा मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? गोगा जी का मंदिर, ठीक। अच्छा पूछा जाएगा कि जो गोगा जी का मंदिर है ये कहाँ है? ददरेवा में। पूछा जाएगा कि जो गोगा जी का मंदिर है ये कहाँ है? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ आता है? चूरू में। कहाँ आता है? चूरू में। और दोस्तों यहाँ जो गोगा जी की पूजा होती है ना वो शीश मेढ़ी के नाम से होती है। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ जो गोगा जी की पूजा होती है वो किस नाम से होती है? शीश मेढ़ी के नाम से होती है। समझ जाओगे क्या? यहाँ जो गोगा जी की पूजा होती है सब किस नाम से होती है? शीश मेढ़ी के नाम से। अच्छा पूछ लिया जाए कि गोगा जी का जो मेला है दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो गोगा जी का मेला है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो गोगा जी का मेला है इसका आयोजन किया जाता है भाद्र कृष्ण नवमी को। जो गोगा जी का मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण नवमी को किया जाता है। समझ जाओगे क्या? तो दोस्तों चूरू जिले में 3 मंदिर प्रमुख हैं। सालासर बालाजी का मंदिर मोहनदास ने बनाया था, बालाजी के शेष की पूजा होती है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा होती है। और 10 अवतार कौन कौन से हैं दोस्तों? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भारत में पहली बार दशावतार मंदिर बनाया गया था गुप्त काल में और ये मंदिर बना हुआ है देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। और दशावतार मंदिर को कहा जाता है गुप्त काल की मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में है, शीश मेढ़ी के नाम से यहाँ मंदिर की गोगा जी की पूजा होती है और मेले का आयोजन किया जाता है भाद्र कृष्ण नवमी को। दोस्तों कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण नवमी को किया जाता है। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि चूरू जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। पूछा जाएगा कि चूरू जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चूरू जिले में साहब आपके 2 मेले बहुत प्रमुख हैं दोस्तों।
चूरू जिले में दो मेले प्रमुख हैं और दोस्तों एक मेले का नाम है सालासर मेला। दोस्तों चूरू जिले में दो मेले बहुत प्रमुख हैं, एक का तो नाम है सालासर मेला। दोस्तों क्या नाम है? सालासर मेला। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो सालासर मेला है, इस सालासर मेले का आयोजन कब होता है? दोस्तों पूछा जाएगा कि जो सालासर मेला है, इस मेले का आयोजन कब होता है? तो आप क्या बताओगे कि जो सालासर मेला है, इस मेले का आयोजन होता है चैत्र पूर्णिमा को। जो सालासर मेला है, इसका आयोजन कब होता है? चैत्र पूर्णिमा को। और दोस्तों जो चैत्र पूर्णिमा है ना, इसे हम मनाते हैं हनुमान जयंती के रूप में। ठीक दोस्तों, जो चैत्र पूर्णिमा है, इसे हम दोस्तों किस रूप में मनाते हैं? हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। समझ जाओगे दोस्तों, जो साहब चैत्र पूर्णिमा है, इसे साहब आपके हम किसके रूप में मनाते हैं? दोस्तों हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। समझ गए? अच्छा फिर पूछा जाएगा कि दूसरा मेला कौन सा भरता है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि यहाँ जो दूसरा मेला है, उसका नाम है सहवा का मेला। एकदम क्लियर दोस्तों, सहवा का मेला, या दोस्तों आपके गुरुद्वारा भी है और साहब आपके यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। और पूछा जाएगा कि यहाँ मेले का आयोजन कब किया जाता है? पूछा जाएगा कि यहाँ मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि यहाँ जो मेले का आयोजन है, वो किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों दो मेले याद रखना है, सालासर मेला और सहवा का मेला। सालासर मेला तो हनुमान जयंती मतलब चैत्र पूर्णिमा के दिन, और सहवा का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अच्छा दोस्तों फिर बात आए कि चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं। पूछ लिया जाए कि चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि चूरू जिले की जो प्रमुख हवेली है दोस्तों, उसमें दोस्तों एक तो नाम होगा गोयनका की हवेली। क्लियर दोस्तों, चूरू जिले के साहब आपके जो प्रमुख हवेली है दोस्तों साहब, उसमें एक तो नाम होगा गोयनका की हवेली। एकदम क्लियर दोस्तों, दोस्तों एक नाम होगा आपके पौधदारों की हवेली। ठीक दोस्तों, ये चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ हैं। दोस्तों शेखावटी को हवेलियों के लिए जाना जाता है। चूरू जुनू सीकर में साहब आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं, गोयनका की हवेली, पौधदारों की हवेली, और दोस्तों यहाँ एक है खेमका की हवेली। और दोस्तों साहब ये सभी भारत के बड़े उद्योगपति रहे हैं, जो कि चूरू की भूमि से निकले हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, तो गोयनका, पौधदार, खेमका, दोस्तों साहब आपकी इनकी जो हवेलियाँ हैं सब आपके, वो कहाँ हैं दोस्तों? चूरू जिले में। कहाँ हैं दोस्तों? चूरू जिले में। समझ जाओगे क्या? ठीक, तो दोस्तों चूरू जिले में तीन हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है साहब आपके गोयनका की हवेली, दोस्तों एक का नाम है साहब आपके खेमका हवेली, एक का नाम है पौधदारों की हवेली। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसके अलावा यहाँ एक हवेली और प्रसिद्ध है, और दोस्तों उस हवेली का नाम है मालजी का कमरा। एकदम क्लियर दोस्तों, इसके अलावा यहाँ एक हवेली और प्रसिद्ध है, और उस हवेली का नाम है मालजी का कमरा। क्या नाम है? मालजी का कमरा। तो दोस्तों ये तो हुई चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ। कौन कौन सी दोस्तों? आपके गोयनका की हवेली, पौधदारों की हवेली, खेमका की हवेली और मालजी का कमरा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों पूछ लिया जाए कि चूरू जिले में प्रमुख छत्री कौन सी है। एकदम क्लियर, पूछ लिया जाए कि चूरू जिले की प्रमुख छत्री कौन सी है। एकदम क्लियर, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो चूरू जिले की साहब आपके प्रमुख छत्री है ना, उसका नाम है टक मेणोतो की छत्री। एकदम क्लियर दोस्तों, दोस्तों यहाँ जो साहब आपके प्रमुख छत्री है, उसका नाम है टक मेणोतो की छत्री। क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टक मेणतों की छत्री कहाँ है? चूरू जिले में। पूछा जाए कि टक मेणतों की छत्री कहाँ है? चूरू जिले में स्थित है दोस्तों। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ तक। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि चूरू जिले के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। पूछा जाएगा कि चूरू जिले के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। एकदम क्लियर, अगर प्रश्न आ जाए कि चूरू जिले के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे कि चूरू जिले के प्रमुख नृत्यों में एक तो है नटनी नृत्य, एक है कबूतरी नृत्य। दोस्तों एक तो है नटनी नृत्य, एक है कबूतरी नृत्य। देख दोस्तों, एक हिसाब आपके गणगौर नृत्य,
दोस्तों गणगौर साहब आपके चूरू जिले का नहीं, ये सभी राज्य का नृत्य है, एकदम क्लियर। और दोस्तों साहब आपके एक है टाटिया नृत्य, एकदम कौन सा नृत्य है, टाटिया नृत्य। तो नटनी, कबूतरी, गणगौर, टाटिया, ये सब आपके चूरू जिले के प्रमुख नृत्य हैं। समझ आओगे दोस्तों कौन कौन से होंगे, नटनी नृत्य, कबूतरी नृत्य, टाटिया नृत्य और गणगौर यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अच्छा दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, अगर पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके चूरू जिले का जो प्रमुख लोक नाट्य है वो कौन सा है, गीदड़, एकदम क्लियर। पूछा जाए कि चूरू जिले का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, गीदड़ यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो गीदड़ है ना, ये गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। दोस्तों ध्यान रखना, जो गीदड़ है ना, ये गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है, अर्थात ये चूरू जुनू सीकर में प्रमुखता से किया जाता है गीदड़ लोक नाट्य, एकदम क्लियर। चलो आगे, ठीक। अब अगली बार दोस्तों फिर बात आती है कि चूरू जिले की प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी हैं। पूछा जाएगा कि चूरू जिले की प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी हैं, एकदम क्लियर। चूरू जिले की प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी हैं। अब दोस्तों अगर चूरू की प्रमुख हस्तियों की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है कन्हैया लाल सेठिया का। अगर हम चूरू जिले की हस्तियों की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है कन्हैया लाल सेठिया का, एकदम क्लियर। कन्हैया लाल सेठिया चूरू जिले के निवासी थे और दोस्तों हिंदी साहित्य के महान, दोस्तों हिंदी साहित्य के महान विद्वान थे कन्हैया लाल सेठिया, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो कन्हैया लाल सेठिया हैं, इन कन्हैया लाल सेठिया का जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1919 को। जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इनका जन्म कब हुआ था, 11 सितंबर 1919 को। अच्छा पूछा जाए कि कन्हैया लाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़, और दोस्तों सुजानगढ़ कहाँ आता है, चूरू में आता है। कहाँ आता है दोस्तों, चूरू में आता है। फिर बात आए कि जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इन कन्हैया लाल सेठिया का देहांत कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि कन्हैया लाल सेठिया का देहांत हुआ था 11 नवंबर 2008 को। जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इनका देहांत कब हुआ था, 11 नवंबर 2008 को। जन्म 11 सितंबर 1919 कहाँ, सुजानगढ़ चूरू में। अच्छा देहांत 11 नवंबर 2008 को। और पूछा जाए कि इनका देहांत कहाँ हुआ था, पूछा जाए कि इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इनका देहांत हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो कलकत्ता है ना, इस कलकत्ता के जो संस्थापक हैं, दोस्तों जो कलकत्ता है ना, इस कलकत्ता के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जोब चारणो। दोस्तों जो कलकत्ता है और इस कलकत्ता के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, जोब चारणो, ठीक। और दोस्तों ध्यान रखना, जो कलकत्ता है ना, ये कलकत्ता रही थी भारत की राजधानी, और पूछा जाए कब से कब तक रही थी, तो दोस्तों 1773 से लेकर 1911 तक ये भारत की राजधानी रही थी। समझ जाओगे क्या, कन्हैया लाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 कहाँ हुआ, सुजानगढ़ चूरू, देहांत 11 नवंबर 2008 कहाँ, कलकत्ता में, संस्थापक कलकत्ता के जॉब चारणों, और कलकत्ता रही थी भारत की राजधानी 1773 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी रही थी, और 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था, और 1912 से फिर दिल्ली भारत की राजधानी रही, तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक। अच्छा दोस्तों ना, जो कन्हैया लाल सेठिया है ना, दोस्तों जो कन्हैया लाल सेठिया है, इन कन्हैया लाल सेठिया को कहा जाता है राजस्थानी का, राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह, एकदम क्लियर। दोस्तों ध्यान रखना, जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह। समझ जाओगे दोस्तों, समझ जाना, जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अगली बार दोस्तों ध्यान रखना, देखो एक बात बता रहा हूँ, ठीक। दोस्तों राजस्थान में तीन भीष्म पितामह हुए हैं, दोस्तों राजस्थान में
तीन भीष्म पितामह हुए हैं, क्लियर। अच्छा पूछा जाएगा कि राजस्थान में तीन भीष्म पितामह कौन कौन से हुए हैं, पूछा जाएगा कि राजस्थान में तीन भीष्म पितामह कौन कौन से हुए, देखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक तो वह हैं राजस्थान या मेवाड़ के भीष्म पितामह, दोस्तों एक तो वह हैं राजस्थान अथवा मेवाड़ के भीष्म पितामह। ठीक, तो पूछा जाए कि राजस्थान अथवा मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान अथवा मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो कहा जाता है दोस्तों राणा लाखा के पुत्र राव चूड़ा को। एकदम क्लियर दोस्तों, राणा लाखा का तब आपके पुत्र था, हम राव नहीं बोलेंगे, कुंवर बोलेंगे। एकदम क्लियर, राणा लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा को कहा जाता है राजस्थान या फिर मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक, अच्छा दोस्तों दूसरी बात, अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन है। ठीक, अगर पूछा जाए कि राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन हैं, तो आप क्या बताओगे, पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं। समझ जाओगे ना, पंडित झाबरमल शर्मा राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं, समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, और राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कौन हो गए दोस्तों कौन हो गए, कन्हैयालाल सेठिया हो गए, कौन हो गए, कन्हैयालाल सेठिया। एकदम क्लियर, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ 11 सितंबर 1919, कहाँ हुआ, सुजानगढ़ चूरू में, देहांत हुआ 11 नवंबर 2008 कलकत्ता में, कलकत्ता का संस्थापक जोग चारणोक और कलकत्ता की राजधानी, कलकत्ता रही थी राजधानी 1773 से लेकर 1911 तक। कन्हैयालाल सेठिया कहलाते हैं राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह, और दोस्तों राजस्थान का भीष्म पितामह है कुंवर चूड़ा, तो राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह है दोस्तों झाबरमल शर्मा। एकदम क्लियर किया यहाँ तक। अच्छा फिर बात आती है कि जो कन्हैयालाल सेठिया हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बात आती है कि जो कन्हैयालाल सेठिया हैं, कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, पूछा जाएगा कि जो कन्हैयालाल सेठिया हैं इन कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों इनकी जो पहली रचना था आपको सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना, वो है पाथल और पीथल। एकदम क्लियर दोस्तों, इनके साहब आपके जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी साहब आपके, पाथल और पीथल। एकदम क्लियर, ये इनकी रचना है। अच्छा आप सब जानते होंगे कि जो पाथल है दोस्तों, आप सब जानते होंगे जो पाथल है ये तो कहा गया है साहब आपके दोस्तों राणा प्रताप को, ध्यान रखना दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन ये, पाथल तो कहा गया है राणा प्रताप को और पीथल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है, पीथल। और पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे, बीकानेर के थे, कहाँ के थे, बीकानेर के थे। ठीक, और जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं दोस्तों इन्हें कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस, दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ है इन्हें कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरो, समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, और किसने कहा था, मैंने बता रखा है एलपी टेसिटोरी ने, किसने कहा था, एलपी टेसिटोरी ने इन्हें क्या कहा था, डिंगल भाषा का हेरो। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों दूसरी बात, पहली रचना तो ये हो गई, क्लियर दोस्तों साहब आपकी इनकी जो दूसरी रचना है उसका नाम है लीलटास, इनकी साहब आपके दूसरी रचना कौन सी हो गई, लीलटास। दोस्तों इनकी जो तीसरी रचना है उसका नाम है रमणियारा सोरठा, इनकी जो तीसरी रचना है उसका नाम है रमणियारा सोरठा। ठीक दोस्तों साहब, इनकी जो चौथी रचना है उसका नाम है मेजर, क्या नाम है, मेजर। इनकी दोस्तों साहब आपकी जो पाँचवी रचना है उसका नाम है धरती धोरारी। ठीक दोस्तों साहब, आपकी इनकी साहब जो छठी रचना है उसका नाम है कोकऊ, क्या नाम है, कोकऊ। इनकी दोस्तों साहब आपकी जो अगली रचना है उसका नाम है गलगचिया, इनके साहब आपके जो अगली रचना था कौन सी है, गलगचिया। पहली रचना कौन सी हुई, पाथल और पीथल। पाथल किसे कहा गया साहब आपके दोस्तों,
राणा प्रताप को पीतल किसे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। इसके अलावा लीलठास, रमणियारा सोरठाम, मीझर, धरती धोरारी, कोकव और गलगचिया, इनके साहब आपके अन्य रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके इनकी दोस्तों अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, पूछा जाएगा कि इनकी अन्य रचनाएं साहब आपके कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें दोस्तों एक नाम आएगा मायड्रो हेलो। दोस्तों इन सबको लिख लेना आप, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इनकी साहब आपकी अगली रचना कौन सी है? मायड्रो हेलो। दोस्तों इनकी एक रचना का नाम है सबद। क्या नाम है? सबद। दोस्तों इनकी एक रचना का नाम है सतवाणी। क्या नाम है दोस्तों? सतवाणी। मायड्रो हेलो, सबद, सतवाणी, एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर पूछा जाएगा कि इनकी साहब आपकी अगली रचना आपकी कौन सी है? दोस्तों इनकी एक रचना है आपके, और दोस्तों उस रचना का नाम है घर कूचा घर मजला। घर कूचा घर मजला, दोस्तों ये इनके साहब आपके अन्य रचना है। कौन कौन सी साहब आपके? घर कूचा घर मजला साहब आपके इनकी अन्य रचना है, एकदम क्लियर। अच्छा साहब आपके दोस्तों इनकी एक रचना है क को कोडरो। कक को कोडरो, दोस्तों ये भी साहब आपके इनकी रचना है। अच्छा दोस्तों पूछा जाए और इनकी रचना कौन कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? अधरी काल। दोस्तों अधरी काल, ये साहब आपके इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए और रचना कौन कौन सी है, तो हेमाणी। कौन सी होगी दोस्तों? हेमाणी। ये सब आपके सब इनकी प्रमुख रचना है, एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों ये सब आपके कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है। दोस्तों एक रचना का नाम हो लिख लेना दीठ। क्या नाम है? धीन। एक बार फिर समझना, चूरू जिले के प्रमुख साहित्यकार कौन हुए? कन्हैयालाल सेठिया। जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1919। स्थान सुजानगढ़ चूरू। देहांत हुआ 11 नवंबर 2008 को कलकत्ता। कलकत्ता के संस्थापक थे जोपचारणों, राजधानी थी भारत की 1973 से लेकर 1911 तक। कन्हैयालाल सेठिया कहलाते हैं राजस्थान के विश्व पितामह, तो राजस्थान के विश्व पितामह है कुंवर चूड़ा। राजस्थान पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं पाथल पीतल, लीलटांस, रमणियारा सोरठाम, मीझर, धरती दोहराई, कोकों, गलगचिया, मायड्रो हेलो, सबस, सतवाणी, घर कूचा घर मजला, कक्को कोडरो, अधरी काल, हेमाणी और धीठ, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ना, ये मीझर आपके दो जगह काम आएगा, एकदम क्लियर, ये दो जगह काम आएगा। मीझर कन्हैयालाल सेठे की रचना भी है, और दोस्तों खेजड़ी के जो फूल होते हैं, दोस्तों जो खेजड़ी वृक्ष होता है ना, इस खेजड़ी वृक्ष दोस्तों जो फूल होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? मीझर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीझर। तो मीझर दो जगह काम आएगा। मीझर कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, मीझर खेजड़ी वृक्ष के फूलों को कहा जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब इसी प्रकार जो शब्द है ना, ये साहब शब्द भी आपके दो जगह काम आएगा। दोस्तों जो शब्द है ना, ये शब्द भी साहब आपके दो जगह काम आएगा। क्या काम आएगा कि शब्द साहब आपके, एक तो शब्द है कन्हैयालाल सेठिया की रचना, ठीक, और दोस्तों साहब आपके एक शब्द है कबीरदास जी की रचना, एकदम क्लियर दोस्तों। शब्द कबीरदास जी की रचना भी है, अर्थात शब्द दो जगह काम आएगा। एक शब्द तो है कबीरदास जी की रचना, और एक शब्द है कन्हैयालाल सेठिया की रचना। दोस्तों कबीरदास जी के द्वारा तीन ग्रंथ लिखे गए थे, कबीरदास जी के द्वारा तीन ग्रंथ लिखे गए थे, एक का नाम था शब्द, एक का नाम था साखी, और एक का नाम था रमेणी, एकदम क्लियर। शब्द, साखी, रमेणी, ये तीनों साहब आपके कबीरदास जी की रचनाएं थी, क्लियर। शब्द कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, और साहब आपके शब्द, साखी और रमेणी कबीरदास जी की रचना है। ठीक दोस्तों, इन तीनों रचनाओं का जो संकलन है, दोस्तों इन तीनों रचनाओं का साहब आपके जो संकलन है ना दोस्तों, वो किया था आपके धर्मदास ने। दोस्तों ध्यान रखना, मैं अगले पेज में बता देता हूँ दोस्तों। ठीक, ये कबीरदास जी तीन रचनाएं शब्द है, साखी है और रमेणी है। ठीक, ये दोस्तों तीन रचनाएं कबीरदास जी की, और इन तीनों रचनाओं को साहब आपके संयुक्त रूप से कहा जाता है बीजक। इन तीनों रचनाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बीजक। और पूछा जाएगा कि इन तीनों रचनाओं का जो संकलन है, दोस्तों पूछा जाएगा कि इन तीनों रचनाओं का सब आपके जो संकलन है वो किसने किया था? पूछ लिया जाए कि इन तीनों रचनाओं का संकलन किसने किया था, तो आप क्या बताओगे?
कबीर दास जी के शिष्य थे धर्मदास, एकदम क्लियर, कबीर दास जी के शिष्य थे धर्मदास, उसके द्वारा शब्द साखी रमणी का संकलन किया गया और तीनों को क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, आपके बीजक, एकदम क्लियर। तो बीजक साहब आपके कबीरदास जी की रचना है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि चूरू जिले में और कौन सी महान हस्ती पैदा हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना, स्टील किंग के नाम से जाना जाता है LM मित्तल को, लक्ष्मी निवास मित्तल को, दोस्तों ध्यान रखना LN मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल, क्लियर दोस्तों, इन्हें कहा जाता है स्टील किंग, क्लियर। और लक्ष्मी निवास मित्तल का साहब आपके जो जन्म हुआ ना, वो साहब आपके कहाँ हुआ था दोस्तों, चूरू जिले में हुआ था, राजगढ़ में, ठीक दोस्तों। एक गीतकार थी रेशमा, दोस्तों एक गीतकार थी रेशमा, ठीक। और दोस्तों इस रेशमा का साहब आपके जो जन्म हुआ ना, वो भी कहाँ हुआ था आपके दोस्तों, चूरू जिले में। और दोस्तों जो रेशमा है ना, इस रेशमा के द्वारा दोस्तों हीरो मूवी में गाना गाया था, और दोस्तों वो गाना बहुत फेमस हुआ था, और गाने के वर्ड थे लंबी जुदाई, आगे होगा आपको याद दोस्तों, क्लियर। ये गाया था किसके द्वारा, गाया गया था रेशमा के द्वारा, और रेशमा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, चूरू जिले में। विभाजन के बाद साहब आपकी रेशमा पाकिस्तान चली गई थी, ठीक दोस्तों। साहब आपके इसके अलावा यहाँ साहब आपके एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था, और दोस्तों उसका नाम था जमाल सेन, क्या नाम था, जमाल सेन। दोस्तों साहब आपके जमाल सेन है ना साहब आपके, इनका जन्म साहब आपके कहाँ हुआ था, चूरू में। और दोस्तों जमाल सेन फेमस हैं, क्यों फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के द्वारा राष्ट्रगीत की धुन तैयार की गई थी, एकदम क्लियर दोस्तों। जो जमाल सेन हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रगीत की धुन तैयार की गई थी, एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसकी धुन साहब आपके जो तैयार की थी, वो किसने की थी, जमाल सेन ने। और जो जमाल सेन है साहब आपके, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, आपके दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, चूरू जिले में हुआ था, ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि चूरू में साहब आपके इसके अलावा किसका जन्म हुआ, तो दोस्तों चूरू जिले में साहब आपके किशन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ। दोस्तों जो चूरू है, इस चूरू में साहब आपके किसका जन्म हुआ, किशन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि किशन सिंह राठौड़ क्यों फेमस है, पूछा जाएगा कि किशन सिंह राठौड़ क्यों फेमस है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो किशन सिंह राठौड़ हैं, इन्हें कहा जाता है प्रथम महावीर चक्र विजेता। जो किशन सिंह राठौड़ हैं, इन्हें कहा जाता है प्रथम महावीर चक्र विजेता, एकदम क्लियर। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, चूरू में हुआ था। अच्छा दोस्तों, चूरू में साहब आपके एक और व्यक्ति का जन्म हुआ है, और दोस्तों उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया, क्या नाम है, देवेंद्र झाझड़िया, एकदम क्लियर दोस्तों। ये वर्तमान में साहब आपके ओलंपियन है, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, चूरू में। और दोस्तों साहब आपके जो देवेंद्र झाझड़िया है, ये पैरा ओलंपियन है दोस्तों, ये क्या है, पैरा ओलंपियन है। और जेवेलिन थ्रो में दोस्तों, जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता है, एकदम क्लियर दोस्तों, समझ आना। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपियन है, और साहब आपके दोस्तों ये जेवेलिन थ्रो में साहब आपके दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक। कि दोस्तों बात आती है कि साहब इसके अलावा चूरू में किसका जन्म हुआ, पूछा जाए कि साहब आपके इसके अलावा चूरू में साहब किसका जन्म हुआ, तो साहब आपके बताओगे कि साहब आपके चूरू में खेमचंद प्रकाश का जन्म हुआ, क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि चूरू में किसका जन्म हुआ, खेमचंद प्रकाश का। और पूछा जाए कि खेमचंद प्रकाश कौन थे, संगीतकार, कौन थे दोस्तों, संगीतकार। और दोस्तों माना जाता है कि साहब आपके जो खेमचंद प्रकाश हैं, ये लता मंगेशकर के गुरु हैं, एकदम क्लियर दोस्तों। जो खेमचंद प्रकाश हैं, इन्हें लता मंगेशकर का गुरु कहा जाता है, एकदम क्लियर दोस्तों। और दोस्तों इन सब हस्तियों का साहब आपके जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, आपके चूरू जिले में हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों, आपके चूरू जिले में हुआ, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि इसके अलावा साहब आपके चूरू जिले में साहब किसका जन्म हुआ दोस्तों, इनके अलावा साहब आपके चूरू साहब जिले में जन्म हुआ था हनुमान पोद्दार का, एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि इसके अलावा साहब चूरू जिले में साहब किसका जन्म हुआ था, हनुमान पोद्दार का, एकदम क्लियर। और दोस्तों जो हनुमान पोद्दार है ना दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया था कल्याण, एकदम क्लियर।
दोस्तों इनके द्वारा कल्याण की रचना की गई थी। एकदम क्लियर था, किसकी रचना की गई थी? कल्याण की रचना की गई थी। और दोस्तों कल्याण को कहा जाता है हिंदू धर्म का विश्वकोश। एकदम क्लियर दोस्तों, जो कल्याण है ना, इन्हें कहा जाता है हिंदू धर्म का विश्वकोश। एकदम क्लियर दोस्तों। और दोस्तों इन सब हस्तियों का सब जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? चूरू जिले में। एकदम क्लियर दोस्तों, ये दोस्तों जितनी भी हस्तियाँ हैं इन सबका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? चूरू जिले में हुआ है। समझ जाओगे क्या? एकदम क्लियर, चलूँ आगे दोस्तों। फिर बात आती है कि जो चूरू है, इस चूरू की जनसंख्या कितनी है? पूछा जाएगा कि जो चूरू है, इस चूरू की जनसंख्या कितनी है? ठीक, पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि 2039,547। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले की जनसंख्या कितनी है? 2039,547। अच्छा, पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का घनत्व कितना है वर्ष 2011 के अनुसार? 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का लिंगानुपात कितना है? पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का लिंगानुपात कितना है, तो आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले का लिंगानुपात है 940 व्यक्ति, 940। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले की साक्षरता कितनी है? पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 66.8%। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार चूरू जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 66.8%। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि वर्तमान में चूरू जिले का क्षेत्रफल कितना है? पूछ लिया जाए कि वर्तमान में चूरू जिले का क्षेत्रफल कितना है? 16,830 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 16,830 वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि सब आपके चूरू जिले का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूछ लिया जाए कि चूरू जिले का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो चूरू जिला है ना, इसका अक्षांश विस्तार है 27 डिग्री 24 मिनट से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री 24 मिनट से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश साहब आपके चूरू जिले का अक्षांश विस्तार है। फिर पूछा जाएगा कि साहब आपके चूरू जिले का साहब आपके देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा जाएगा कि साहब चूरू जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो चूरू जिला है ना, इसका देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 73 डिग्री 4 मिनट से लेकर 75 डिग्री 41 मिनट पूर्वी देशांतर चूरू जिले का देशांतरीय विस्तार है। एकदम क्लियर क्या दोस्तों? एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अच्छा दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं है ना दोस्तों? ठीक। अच्छा दोस्तों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला किसे कहा जाता है? चूरू को, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे गर्म जिला किसे कहा जाता है? चूरू को कहा जाता है, याद रखना। सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है दोस्तों? चूरू में। दोस्तों ये ध्यान रखना, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा दोस्तों? चूरू। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा कि साहब आपके चूरू में वन प्रतिशत कितना है? 0.43%। एकदम क्लियर। और राजस्थान में सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है, गंदेली साहवा लिफ्ट नहर, वो भी कहाँ है? चूरू जिले में है। कहाँ है दोस्तों? चूरू जिले में है। दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अच्छी तरह। चूरू जिले के मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर है, निर्माण कराया मोहनदास ने, बालाजी के शीश की पूजा होती है और दाढ़ी मूछ की पूजा होती है, कारीगर थे नूरा और दाऊद। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, भगवान विष्णु के 10 अवतार की पूजा होती है, और 10 अवतार है मत्स्य, कुरुम्भ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और भारत का पहला दशावतार मंदिर गुप्त काल में बना था, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। और दशावतार मंदिर को कहा जाता है गुप्त काल की मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण। गोगा जी का मंदिर साहब आपके ददरेवा चूरू में है, यहाँ शीश मढ़ी के नाम से पूजा होती है, मेला भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक। अच्छा, प्रमुख मेले सालासर मेला है, सवा मेला है, प्रमुख हवेलिया गोयन का, पोदार और खेमका के हवेलिया है, यहाँ माल जी का कमरा भी है। ठीक।
तक मिनटों के छत्र साहब आपके कहाँ हैं? चूरू में है। नृत्य नटनी कबूतरी गणगोरो टाटिया नृत्य आपके चूरू जिले के प्रमुख नृत्य हैं। लोक नाट्य गेदड़ जो कि शेखावटी क्षेत्र का लोक नाट्य है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में। कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह कहलाते हैं, तो राजस्थान के विश्व पिता कुंवर चूड़ा और राजस्थान पत्रकारिता के विश्व पितामह या पितामह दोस्तों कहा जाता है जावरमल शर्मा को। ठीक, प्रमुख रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों पाथल पीथल मैंने पूरी बता रखी है आपको, अच्छी तरह दोस्तों याद रखना। ठीक दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें हैं। अच्छा दोस्तों, सबस साकी रमणी कबीरदास जी की रचना जिन्हें हम बीजक के नाम से कहते हैं, एल एन मित्तल का जन्म, रेशमा का जन्म, जमाल सेन का जन्म, किशन सिंह राठौर, देवेंद्र झाजड़े का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में हुआ था। एकदम क्लियर। खेमचंद प्रकाश दोस्तों जो कि संगीतकार थे, हनुमान पोद्दार दोस्तों ये सब यहाँ चूरू जिले के निवासी थे। दोस्तों चूरू जिला सबसे गर्म जिला है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और सबसे लंबी लिफ्ट नहर के लिए चूरू को जाना जाता है। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये थी चूरू जिले की विशेषताएं, चूरू जिले का ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौगोलिक महत्व। उम्मीद करता हूँ काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हों तो अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दोस्तों काव्य क्लासेस के वीडियो देखने के लिए आप प्रेरित करें। दोस्तों काव्य क्लासेस की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन उद्देश्यों के साथ आप काव्य से जुड़े हुए हैं, ईश्वर शीघ्र अतिशीघ्र आपके उद्देश्य पूरे करें, आपको राज की सेवा में स्थापित करें, आपके सपनों को साकार करें और आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें, सफलता के आसमान को स्पर्श करें। नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं और चाहत हो किसी को दिल से पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और इसी कामना के साथ धन्यवाद दोस्तों।